जहां आज का टॉपिक फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू इन C++। सी भी फंक्शन का काम कभी भी डेटा स्कैन करना नहीं होता है। फंक्शन नेवर रीड द डेटा। फंक्शन का काम डेटा रीड करना नहीं है, फंक्शन का काम इनपुट लेना नहीं है, फंक्शन का काम है डेटा आप इसको दो, ये उस डेटा पे कैलकुलेशन करेगा और आपको रिजल्ट बताएगा। ये फंक्शन का टास्क होना चाहिए। जो एक्चुअल फंक्शन का टास्क है वो ये है कि डेटा आप दीजिए, जब आप डेटा देंगे तो आपका प्रोग्राम उस डेटा पे कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बता देगा। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो आप देखो, पिछली बार भी मैंने फंक्शन बनाए थे, पर क्या हमने फंक्शन को किसी वैल्यू के साथ कॉल किया था? नहीं। लेकिन अब जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, ये फंक्शन अपने साथ एक वैल्यू लेके जा रहा है। समझ मेरे बच्चे, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया है एक वैल्यू के साथ। और जब भी हम C++ में किसी फंक्शन को वैल्यू के साथ कॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो अब सुनना नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम। कि जब भी किसी फंक्शन को आप कॉल बाय वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का टॉपिक फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू इन C++। हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, कॉल करना है। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का, राइट? और एक मेनू ड्रिवन एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, इफ यू रिमेंबर। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि मेनू ड्रिवन एप्लीकेशंस को अगर हम कॉल बाय वैल्यू के बाद डिजाइन करेंगे सो दैट वुड बी मोर बेटर। हालांकि हमने एक कॉन्सेप्ट विदाउट कॉल बाय वैल्यू भी देखा था मेनू ड्रिवन एप्लीकेशंस का, ओके? लेकिन अब यहां पर ये समझते हैं हम कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, राइट? तो यहां पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। या तो वो फंक्शन लोकल होगा जो कि हमारा टेम्परेरी फंक्शन है, राइट? ओके। और या फिर वो फंक्शन हेडर फाइल में होगा जो कि हमारा पब्लिक प्लेस पे या ग्लोबल फंक्शन है। थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस टॉपिक को समझना क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जरा से भी लेजीनेस दिखाई आपने तो ये टॉपिक स्किप हो जाएगा, ओके? और आने वाली प्रोग्रामिंग में मैं बोलता हूं 90% फंक्शन जो हम यूज करने वाले हैं वो कॉल बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे यूज होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस होके समझिए कि यहां पर अभी हमने हमारे फंक्शन बनाए, राइट? लेकिन क्या ये फंक्शन एग्जैक्ट वैसा बिहेवियर दे रहे हैं जैसे इनबिल्ड फंक्शन होते हैं, राइट? तो आप देखिए क्या होता है एग्जैक्टली फंक्शन का जो एक्चुअल टास्क है वो क्या है और हम जो जिस थॉट से फंक्शन अभी बना रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अभी मैंने एक फंक्शन आपको लास्ट में बताया था लोकल, है ना? हमने एक लोकल फंक्शन बनाया था। लोकल मतलब जो हम यही मेन के नीचे डिफाइन कर रहे हैं, ओके? मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया सपोज एड नाम का। अब इस एड फंक्शन में याद है हमने क्या किया था? इस एड फंक्शन में हमने बाकायदा यूजर से दो नंबर स्कैन किए, है ना? हमने मैसेज दिया सी आउट एंटर टू नंबर, ओके? ये लास्ट लेक्चर का हमारा प्रोग्राम था जहां पर हमने यूजर से दो नंबर स्कैन किए हैं। स्कैन करने के बाद हमने उसको बाकायदा ऐड किया सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी आउट सी, राइट? अब देखो आप यहां पे समझो, अभी आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है? अभी तो चलिए आपका प्रोग्राम मेन में ही है और यहां पर इस पूरी प्रोसेस में ये थॉट लेना कि अगर इस फंक्शन को मैं हेडर फाइल में बनाता हूं, ग्लोबली बनाता हूं, तो क्या ये फंक्शन मेरी रिक्वायरमेंट पे काम करेगा? मतलब ये फंक्शन अगर मैंने बनाया और अगर इसको उठा के मैंने हेडर फाइल में रख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इसको लाइब्रेरी फंक्शन बनाना है। हमने डे वन पे यही बात की है कि लोकल बना के अभी हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी को समझ रहे हैं। अल्टीमेटली इस फंक्शन को हमें कहां पर डिफाइन करना है? हेडर फाइल में, बहुत फोकस्ड होके ध्यान से, राइट? तो अब आप समझिए कि सपोज इस फंक्शन को अभी मैंने कॉल किया एड, ठीक है? समझना, अब जब यह फंक्शन कॉल हुआ इसने बाकायदा आपसे दो नंबर एंटर किए, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? ठीक है, वेरी नाइस, बढ़िया। आपने बोला सर क्या प्रॉब्लम है, सब तो ठीक चल रहा है। अब इमेजिन करो आप इस फंक्शन को मैंने लोकल से हटा के, क्योंकि देखिए सारे फंक्शन हेडर फाइल्स में होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस एग्जांपल को समझने के लिए आप थोड़ा सा
थॉट प्रोसेस ये लाना कि हमें एक्चुअली इस फंक्शन को हेडर फाइल में रखना है। ओके, तो सपोज अगर मैंने बोला ये मेरी हेडर फाइल है ना, ध्यान से सुनना, ये मेरी हेडर फाइल है, हेडर फाइल का नाम रख दिया सपोज मैंने dataFlare.h, और यहां पर ये ऐड नाम का फंक्शन मैंने बनाया सेम उसी प्रोसेस से जैसे अभी मैंने लिखा था। दो नंबर को आपने डिक्लेयर किया, राइट, यूजर से स्कैन किया, सीन किया हमने, ओके, और बाकायदा यहां लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी एन सी आउट सी। ये मैंने अब इस फंक्शन को मैंने रख दिया हेडर फाइल में। ओके, वॉइड एड कैसे रखना है, क्या रखना है, डोंट वरी, अभी आप थॉट प्रोसेस को समझो। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं कि जब क्लासरूम लेक्चर में आप हो तो लॉजिक पे फोकस करो, राइट। अब ये फंक्शन, चलिए अब ये हेडर फाइल में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करने के लिए मुझे इसको हेडर फाइल से इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया dataFlare.h, राइट, और ये मैंने एड फंक्शन कॉल किया, ठीक, बाकायदा परफेक्ट चला फंक्शन, ये सिस्टम पे रन करके भी बता दूंगा मैं आपको। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट तो चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो, है ना, फंक्शन का काम क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये फंक्शन का काम होता है, राइट। अब अगर सपोज करो ये, तो अब आप इसको एग्जांपल को समझना, मतलब एग्जांपल मैंने बड़ा सिंपल लिया है, दिस इज द प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो फैक्टोरियल पर भी अप्लीकेबल है, प्राइम नंबर पर भी, रिवर्स नंबर पर भी, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग और जितने प्रोग्राम हमने बनाए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट में एक कॉमन प्रॉब्लम, अगर हम फंक्शन को इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, देखो आप सपोज अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं ना, ये मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है। अब यहां पे आप देखो, सपोज मेरे पास एक्स और वाई नाम के वेरिएबल में दो वैल्यू हैं, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब इस सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होके मेरे पास एक्स और वाई में दो वैल्यूज आई हैं। अब ये कौन सी वैल्यू है, क्या है, मुझे नहीं पता है, राइट, लेकिन मैंने आपसे बोला कि बस आगे की प्रोग्रामिंग में मुझे ये करना है कि दो नंबर को ऐड करना है, उसके बाद आगे का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो आप बोलोगे सर यही एक्स प्लस वाई लिख दो, नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलो ये अभी मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया, शायद इसीलिए आपको ये थॉट प्रोसेस जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, शायद आप क्लियर ना समझ पाए। मैं बोलता हूं चलो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो हमने इस प्रोसेस से लिखा है, ठीक है, कि दिस इज द प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ नंबर। अब ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी आपसे क्या कर रहा है, एक नंबर यूजर से स्कैन कर रहा है, लूप लगाया इसने, लूप लगा के बाकायदा फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, एफ इक्वल टू एफ इन टू एन, ओके, लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर आपने यहां पे स्कैन किया है ना, सीन एन, मतलब मुझे जो एक्चुअल आपको बताना है आप उसको समझो, ये, और ये मैंने लिख दिया सी आउट एफ सपोज। अब तो ठीक है, ये फैक्टोरियल है। अब सपोज आपने, अब आपको, आप तो प्रोग्रामर हो, आपके पास एक फंक्शन बना बनाया है dataFlare.h नाम की हेडर फाइल में, एक फैक्टोरियल का फंक्शन आपके पास है। अब सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, है ना, हम फंक्शन को कब यूज करते हैं कि जब आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सपोज अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका चल रहा है, अब एक्स में आपके पास कोई वैल्यू आएगी, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू इज दिस, मुझे भी नहीं पता है, वो कैलकुलेट होके वैल्यू आएगी, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ओके। अब आपके आगे की प्रोग्रामिंग इस एक्स के फैक्टोरियल पे डिपेंडेंट है, मतलब आपको एक्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और आगे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, राइट। अब आपके पास दो चॉइस है, देखो यहां पर, या तो आपको यह पता है कि यार एक हेडर फाइल है जिसमें फैक्टोरियल का फंक्शन है, जैसे सारे फंक्शन डेवलपर ने दिए हैं, एक dataFlare.h नाम की हेडर फाइल में एक फैक्टोरियल का फंक्शन रखा हुआ है जो हमने बनाया है हमारे थॉट से, ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट और एक्चुअल डेवलपर के थॉट में कितना मेजर डिफरेंस आता है। या तो तरीका यह है कि आप इस फंक्शन को यहां पर कॉल कर लो तो आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, यही तो हमने फंक्शन पढ़ा है कि जितनी बार यूज करना है कॉल कर लो, हेडर फाइल इंक्लूड कर ही चुके हैं। या दूसरा तरीका है कि मैं यहां x का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए बाकायदा 7 से 8 लाइन का कोड लिखूं, आप मुझे बताएं क्या बेटर ऑप्शन है। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर फंक्शन यूज करो ना, राइट, लेकिन बेटा सुन ध्यान से, अगर मान लो मैंने यहां पर ये फंक्शन यूज किया, मैंने लिखा फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल क्या मेरे एक्स के वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा? अरे मेरे पास तो जो एक्स में वैल्यू है, एज अ प्रोग्रामर मेरे पास एक वैल्यू है, मुझे तो फैक्टोरियल उस वैल्यू का कैलकुलेट करना है जो मेरे पास है, फंक्शन मुझे डेवलपर ने बना के दिया हुआ है। इसीलिए डे वन से बोल रहा हूं कि इस थॉट को समझो, जो फंक्शन डिफाइन करता है वो डेवलपर है, उसने आपको ये फंक्शन दिया, एज अ प्रोग्रामर आपको इसको यूज करना है। अब आपने बोला सर मैंने फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया, अब आपने जब इसको कॉल किया तो ये तो आपसे एक नंबर स्कैन करवाएगा, ये देखो आप, ये तो आपसे एक नंबर स्कैन करवाएगा, ये थोड़ी ना एक्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो बॉस प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर स्कैन करवा रहा है, आपको क्या पता एक्स में क्या वैल्यू आप स्कैन करोगे,
ये फंक्शन आप जितनी बार भी कॉल करोगे ये तो आपसे सबसे पहले एक इनपुट लेगा और इनपुट लेके फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि किसी भी फंक्शन का काम कभी भी डेटा स्कैन करना नहीं होता है। फंक्शन नेवर रीड द डेटा। फंक्शन का काम डेटा रीड करना नहीं है, फंक्शन का काम इनपुट लेना नहीं है, फंक्शन का काम है डेटा आप इसको दो, ये उस डेटा पे कैलकुलेशन करेगा और आपको रिजल्ट बताएगा। ये फंक्शन का टास्क होना चाहिए। जो एक्चुअल फंक्शन का टास्क है वो ये है कि डेटा आप दीजिए, जब आप डेटा देंगे तो आपका प्रोग्राम उस डेटा पे कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बता देगा। लेकिन यहां क्या हो रहा था अभी कि जब मैंने यहां से फैक्टोरियल कॉल किया तो मुझे कैलकुलेट करना था x का फैक्टोरियल, मान लो इसमें 7 है या 9 है, अरे कुछ भी हो सकता है, ये तो मेरा वेरिएबल है जिसमें कैलकुलेट होके वैल्यू आई है। मान लो मैंने बोला कि बस दो नंबर को ऐड करो, उसमें से 3 को सबट्रैक्ट करो, 5 का मल्टीप्लाई करो, जो x में आया उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करो। अब आपको क्या पता x में क्या आने वाला है, क्योंकि ये तो पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू है ना। और अगर आपने फंक्शन कॉल किया तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है, एंटर द नंबर। आप देखो हमने प्रीवियस जितने भी फंक्शन बनाए हैं उसमें तो हमने इनपुट लिया हुआ है। तो बोले सर फिर आपने पहले क्यों लिया, अरे बॉस डे 1 पे मैं आपको हर कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता ना, स्टेप से ही चलना पड़ेगा ना। पहले फर्स्ट गियर लगाया, फर्स्ट गियर में थोड़े कंफर्टेबल हो गए तो समझ में आए कि फर्स्ट गियर में अगर गाड़ी चलेगी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब कब के कब पहुंचेंगे, तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, तो सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, वो डिपेंड करेगा गाड़ी में कितने गियर है, राइट। तो यहां पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये फंक्शन इस एक्स के वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करे, तो मेरे बच्चे प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे सर एक्स को ग्लोबल डिक्लेयर कर दो। अरे ग्लोबल डिक्लेयर कर दूंगा तो फिर फंक्शन का लोकल होना जरूरी है ना, समझ बात को। ये फंक्शन तो मैंने हेडर फाइल में रखा हुआ है। एक थॉट ये भी आता है कि सर अगर आप x को यहां रीड कर लो और फैक्टोरियल में यूज कर लो। अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पे अभी x को लेके कोई कैलकुलेशन करूंगा तो आपका प्रोग्राम जानता है क्या x कौन है? और दूसरी बात, ये तो डेवलपर ने फंक्शन दिया हुआ है, आप उसकी कोडिंग में कैसे चेंज करोगे? तो यहां नीड ये होती है प्रोग्रामर की कि सर मैं यहां से इसको एक वैल्यू पास करूंगा और मेरा फंक्शन उस वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करे जो हमने पास की है, चाहे वो हम इनपुट लेके दें, चाहे वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, चाहे हम डायरेक्टली 7 पास कर दें। फंक्शन का काम केवल इतना है कि इसको एक वैल्यू मिलेगी और ये उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा जो इसको दी जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? और एक्चुअली फंक्शन के यही टास्क है कि फंक्शन को वैल्यू आपको देना है, अगर वो कैलकुलेटिव फंक्शन है तो डेटा उसको आपको देना है, उसका काम है केवल उस डेटा को लेके कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना। और जितने भी लाइब्रेरीज के फंक्शन है, जितने भी डेवलपर आपको ऐसे फंक्शन देगा जो कैलकुलेटिव फंक्शन होंगे, वहां पर वो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि डेटा इनपुट भी फंक्शन ही ले रहा है। फंक्शन बोलेगा बॉस मेरा काम इनपुट लेना नहीं है, मेरा काम है डेटा आप दो, कैलकुलेशन में करके दूंगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि बॉस अब इस फंक्शन को ऐसा कैसे बनाया जाए, ठीक है? देखो आप, अब मैं ये चाहता हूं कि सर जब इस फंक्शन को हम कॉल करें, राइट, तो इस फंक्शन को डेटा हम देंगे, कैसे देंगे? अरे डायरेक्टली दे दूंगा मैं 5, 7 या मैं x में कोई वैल्यू रख के उसको x की वैल्यू पास करूंगा किसी भी तरीके से। मतलब ये एज अ प्रोग्रामर हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं हमेशा बार बार बोलता हूं जो मेन को यूज कर रहा है इस केस में वो प्रोग्रामर है और जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है वो डेवलपर है। तो अब इमेजिन करो आप कि आपकी ये हेडर फाइल है, तो आप क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये कॉन्सेप्ट केवल हेडर फाइल में ही चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक फंक्शन को लोकल बना के पहले टेस्ट कर लो, बाद में उसको हेडर फाइल में रखना। मैं आपको भी सिस्टम पे बिल्कुल बाकायदा दोनों तरीके से रन करके बताऊंगा, राइट। तो अब मान लो अगर ये आपकी हेडर फाइल है और आपने हेडर फाइल में इस फंक्शन को डिफाइन किया डेटा फ्लेयर डॉट एच, ये अपनी हेडर फाइल है और यहां पर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया, समझो, ठीक है? यह फंक्शन मैंने यहां पर डिफाइन किया, क्या नाम रखा फंक्शन का हमने, फैक्टोरियल, ठीक है? तो अब इस फंक्शन को मुझे बिल्कुल एक डिफरेंट थॉट से डिफाइन करना पड़ेगा कि जहां पर हम ये चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन को वैल्यू हम देंगे। अब आप देखो कैसे देंगे, क्या देंगे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन आपकी वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करे, तो बॉस जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, इस पैरेंथेसिस से आपको इसको वैल्यू पास करनी है। फंक्शन को जब भी वैल्यू दी जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए, तो हमेशा कहां से दी जाएगी, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो बच्चे ये मैं हमेशा बोलता हूं कि मेन में आपने इस फंक्शन को कॉल किया, अब
कॉल करते टाइम आप चाहते हैं कि ये आपकी वैल्यू पे कैलकुलेशन करे, तो यहां से वो वैल्यू पास कर दो ना। मान लो अगर मैंने वैल्यू पास करी 5, तो अब मेरा फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू मैंने पास की है ये फंक्शन उस वैल्यू को रिसीव करेगा, ये फंक्शन उस वैल्यू को रिसीव करेगा। तो कैसे रिसीव करेगा, तो आप देखो ये फंक्शन ने क्या बोला, सुनो इसके पास अपना एक लोकल वेरिएबल है ना, इसके पास अपना एक लोकल वेरिएबल है, लोकल मतलब ये जो हम अंदर डिक्लेयर करते हैं n, इस n में इसको ये वैल्यू रिसीव करना है, जो वैल्यू मैंने पास की है वो वैल्यू में x में 5 रख के x को भी पास कर सकता हूं, डायरेक्टली 5 भी लिख सकता हूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है, राइट। तो मान लो चलो मैंने x ऐसा लिख दिया, बात वही है। अब मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया तो मैंने यहां से x की वैल्यू पास की है, ये x की वैल्यू मुझे उस वेरिएबल को देना है जो फंक्शन यहां फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, राइट, और वो वेरिएबल है n। अब इस n को डेवलपर, ये पूरा फंक्शन डेवलपर डिफाइन कर रहा है, और अभी के केस में देखो प्रोग्रामर भी हम ही और डेवलपर भी हम ही और यूजर भी हम ही है, तो तीनों रोल आपको ही प्ले करना है। जबकि एक्चुअल बात करे जाए तो डेवलपर वो जिसने फंक्शन दिए, प्रोग्रामर वो जो इनको यूज कर रहा है, आउटपुट वो जो यूजर देख रहा है, लेकिन अभी के केस में डेवलपर, प्रोग्रामर और यूजर तीनों रोल हम ही प्ले कर रहे हैं ना। तो फंक्शन कॉल भी आपको करना है, डिफाइन भी आपको करना है, आउटपुट भी आपको देखना है। तो जब थॉट प्रोसेस आई यहां पे कि बॉस मुझे फंक्शन से कैलकुलेशन ये वाला करवाना है, तो आप देखो क्या किया, इस एन को बोला कि बॉस तू अंदर बैठा है ना, अंदर मत बैठ, फंक्शन के अंदर मत रहो आप, राइट, आप एक काम करो यहां गेट पे जाके बैठ जाओ। मान लो ये फंक्शन डेफिनेशन का गेट है, तो इस एन को मैंने इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में यहां पे बिठा दिया, सपोज इंट एन, इंट स्पेस एन, ये फंक्शन में मैंने बोला कि तेरे लोकल है, ये लोकल वेरिएबल, सुनना ये जो एन है ये लोकल वेरिएबल, लेकिन इसको मैंने गेट पे क्यों बिठाया। अरे अभी समझाने के लिए मुझे बहुत सारे रियल टाइम एग्जांपल लेने पड़ेंगे, राइट। हमने क्या बोला इस एन को कि भाई साहब आप गेट पे बैठो, एक वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रिसीव करना, क्योंकि उसी से कैलकुलेशन होगा फैक्टोरियल का। तो केवल उस वेरिएबल को गेट पे बिठाया है, लोकल है, ये है इसी का लोकल वेरिएबल, इसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, लेकिन गेट पे इसको इसलिए बिठा दिया ताकि जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रिसीव कर ले। बात समझ में आई। तो अब यदि मान लो मैंने इस फंक्शन में एक्स को यहां से, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो आप देखो पिछली बार भी मैंने फंक्शन बनाए थे, पर क्या हमने फंक्शन को किसी वैल्यू के साथ कॉल किया था, नहीं। लेकिन अब जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, ये फंक्शन अपने साथ एक वैल्यू लेके जा रहा है, समझ मेरे बच्चे, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया है एक वैल्यू के साथ। और जब भी हम C++ में किसी फंक्शन को वैल्यू के साथ कॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। This is called call by value, कि आपने फंक्शन को कॉल किया है एक वैल्यू के साथ, और जब भी किसी फंक्शन को वैल्यू के साथ कॉल किया जाता है तो यह कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। बात समझ में आई, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, राइट। अब ये जो कॉल बाय वैल्यू है इसमें यह क्या है, यह आपने क्या पास किया, तो जब फंक्शन से आप वैल्यू पास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, ये कहलाता है पैरामीटर। और ये जो फंक्शन वैल्यू रिसीव कर रहा है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, कि फंक्शन क्या रिसीव कर रहा है, आर्गुमेंट, और आपने क्या दिया, पैरामीटर। सुनना ध्यान से, और एक बार और बोल रहा हूं ध्यान से थोड़ा सा, कि जब आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पहली बात आपको ये नीट समझ में आई कि क्यों हम फंक्शन से वैल्यू पास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो फंक्शन है उसका काम इनपुट लेना नहीं है। अगर वो इनपुट लेगा तो आपके डेटा पे कैसे काम करेगा, डेटा तो आप दोगे ना उसको, उसका काम है आपने जो डेटा दिया है उसको लेके कैलकुलेशन करना। और हमने प्रीवियस जितने भी एग्जांपल देखे उसमें हम इनपुट ले रहे हैं फंक्शन से, तो फंक्शन इनपुट थोड़ी ना लेगा, लेकिन शुरुआत में हमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना था, इसीलिए हमने फंक्शन से इनपुट लिया। और अब हमें समझ में आ गया कि स्टेप वन हमारी क्लियर हो गई, तो फंक्शन के स्टेप टू पे चलते हैं। तो जब इस फंक्शन से हमने वैल्यू को पास किया तो हमने क्या बोला, हमने क्या पास करे हैं, पैरामीटर, और फंक्शन क्या रिसीव कर रहा है, आर्गुमेंट। सुनना ध्यान से, राइट, एक बार फिर समझो इसको, जरा ऐसे समझाता हूं अलग से, कि जब हम फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, तो यह आपने क्या पास किया, पैरामीटर, राइट,
और फंक्शन जहां डिफाइन होता है, मान लो ये फंक्शन आपका डिफाइन है, तो जहां ये डिफाइन है ये क्या रिसीव करेगा? आर्गुमेंट। ये तो इसका एक कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। लेकिन इसी को एक और तरीके से हम समझते हैं, जो वैल्यू आप पास करते हैं इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और फंक्शन जो वैल्यू रिसीव करता है इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। मतलब यू कैन ऑल्सो डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वे कि एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, और यू कैन से दैट ये कहलाता है पैरामीटर और ये कहलाता है आर्गुमेंट। अगर आप केवल पैरामीटर और आर्गुमेंट के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ये पैरामीटर है और ये आर्गुमेंट है, और या फिर इसी को दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल पैरामीटर है जो हमने दिया है और जो रिसीव कर रहा है वो फॉर्मल पैरामीटर। बात समझ में आई आपको? राइट। तो अब यहां पर आप समझो, अब क्या हुआ, अब जब मैंने यहां से इस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन से हमने क्या पास किया? एक्स की वैल्यू। जब मैंने एक्स की वैल्यू पास की तो इस फंक्शन ने उस एक्स की वैल्यू को असाइन कर दिया किसमें? इस एक्स की वैल्यू को उसने असाइन कर दिया एन में। तो एन में वो वैल्यू आ चुकी है, चाहे ये फंक्शन अब हेडर फाइल में हो या मेन के नीचे लोकल डिफाइन कर रहे हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू उस फंक्शन तक पहुंच गई है। अब उस फंक्शन तक जब ये वैल्यू पहुंच गई तो अब क्या बचा? अब आपको बस कैलकुलेशन ही तो करना है, तो बाकी तो पूरा वही कॉन्सेप्ट है। इंटीजर एफ इक्वल टू वन वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू एफ इंटू एन, ठीक है, और एन माइनस माइनस, और ये मैंने अभी फिलहाल यहां पे लिख दिया सी आउट एफ, ठीक है। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो हमने प्रिंट कर दिया अभी फिलहाल, बाद में सोचेंगे क्या करना है। और इस मेन इस फैक्टोरियल के आगे फिलहाल मैंने लिखा हुआ है void, वो क्यों लिखा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और मेन के आगे आप void लिख दें या int लिख दें वो भी अपन, अभी हमारा कॉन्सेप्ट इसको लेके नहीं है, ये सेकंड स्टेप पे आएगा रिटर्न बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट में। लेकिन अब आपको ये समझ में है कि अब देखो आप, अब ये फंक्शन थोड़ा सा प्रोफेशनल हुआ है, थोड़ा सा प्रोफेशनल मतलब अब ये वो टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो यदि आपका फंक्शन वैल्यू के साथ कॉल होता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल बाय वैल्यू, ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, समझ बेटा। और जो वैल्यू आपने पास की है वो कहलाती है पैरामीटर, और फंक्शन जो वैल्यू रिसीव करता है वो कहलाता है आर्गुमेंट, और या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो अब सुनना नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम। कि जब भी किसी फंक्शन को आप कॉल बाय वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर मैंने यहां से एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है, अगर एक पैरामीटर पास किया है तो रिसीव करने वाला आर्गुमेंट भी सिंगल ही होना चाहिए, इट इज नॉट मोर देन वन। वो मोर देन वन किस केस में होगा वो बात की बातें जब अपन डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम। अब इससे क्या हुआ, अब मेरी डिपेंडेंसी इस फंक्शन के इनपुट पे नहीं है। अब मैं इस फंक्शन को, आप देखिए, अलग अलग वैल्यू के लिए कॉल कर सकता हूं। मान लो मैंने अभी बोला कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करो x की वैल्यू का, सेकंड टाइम पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहां पर बोल दिया फैक्टोरियल कैलकुलेट करो 7 का, थर्ड टाइम मैंने कॉल किया, मैंने बोल दिया फैक्टोरियल कैलकुलेट करो 9 का। तो अब ये फंक्शन मेरी वैल्यू को लेके कैलकुलेशन कर रहा है, और आप देखिए जो इनबिल्ड फंक्शन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। आपको क्या लगता है, ये हमने फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया है? आपको याद है जब हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड बात की थी तो बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल एसटीआर एलियन। अब एसटीआर एलियन को यहां पे आपने स्ट्रिंग पास की थी, याद करो, और आपके फंक्शन से ये मान लो डेटा, तो आपका फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा की लेंथ कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। जब हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया था तो यहां पर हमने लिखा था सपोज हेलो जो भी है बाय, ये दो स्ट्रिंग। तो आपने कई बार ऐसा हमने किया है कि फंक्शन से हमने वैल्यू पास की है, और ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, आप देखो हमेशा अपन लिखते हैं सिस्टम सीएलएस, तो ये आप क्या कर रहे हो, सिस्टम फंक्शन को सीएलएस पैरामीटर दे रहे हो। तो कितनी बार, कई बार ऐसा हुआ है कि जब हमने इनबिल्ड फंक्शन को कॉल किया तो यहां से हमने वैल्यू पास की है। तो एक्चुअली हमने पहले भी कई बार फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू के साथ कॉल किया हुआ है। और जो बात मैंने भी आपको बोला ना, नंबर ऑफ पैरामीटर है नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, इसका क्या मतलब है? चलिए अभी तो फैक्टोरियल को एक वैल्यू चाहिए, आप उसको एक वैल्यू दोगे वो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन ऐसे कई प्रोग्राम है जिसमें वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। मान लो मैंने बोला चलिए दो में से ग्रेटर नंबर के लिए फंक्शन बनाओगे, तो आप क्या करोगे,
जब इस फंक्शन को कॉल करोगे मैक्स सपोज, तो यहां से दो वैल्यू पास करोगे ना, ए और बी। अब आपने ए में सपोज कोई वैल्यू ले ली, बी में कोई वैल्यू ले ली है, अब आपको इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना है। तो अब जब मैं मैक्स वाला फंक्शन डिफाइन करूंगा, तो यहां पर इनको रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन आप लोकल बनाओ, हेडर फाइल में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोकल मतलब आप मेन के नीचे भी डिफाइन कर रहे हो, तो भी पैरामीटर आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। और अगर हेडर फाइल में, तो एक्चुअल तो हेडर फाइल के लिए बात हो रही है, क्योंकि जो फंक्शन हेडर फाइल में रखा हुआ है वो नहीं पता कहां है, आपको नहीं पता है। आपको अपना डेटा उसको देना है कैलकुलेशन करने के लिए, कि भैया ये मेरा डेटा है, इसको लेके पूरा कैलकुलेशन करो। आप थोड़ी ना हेडर फाइल में जाके इनपुट करोगे। तो जब एक फंक्शन की बात होती है इस तरीके से, जो एज ए डेवलपर आप किसी को दे रहे हो, तो फंक्शन का काम है कैलकुलेशन करना, डेटा हम देते हैं, गॉट इट। तो अब आप देखो, अब यहां पर मैंने, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि इसके नाम ए, ये मेरे मेन के लोकल वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है, ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल है, तो दोनों के नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये एक्स हो, ये वाई हो। अभी मैं केवल आपको प्रोग्राम नहीं बता रहा हूं, राइट, मैंने केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ये एक्स और वाई, तो आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सॉरी पैरामीटर कितने पास करे, दो। तो अगर आपने दो पैरामीटर यहां से पास करे, तो आर्ग्यूमेंट भी कितने होने चाहिए, दो, और दोनों का डिक्लेरेशन भी अलग अलग। ऐसा नहीं इंट ए कॉमा बी, वो एरर है सिंटेक्स वाइज, आपको दोनों को अलग अलग डिक्लेयर करना है, राइट। तो यहां से मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर अगर दो दिए हैं, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कितने होंगे, दो, गॉट इट। तो कॉल बाय वैल्यू क्या है, ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, अरे ये सब इंटरव्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न बाय वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। तो अभी रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट पे तो हम बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले स्टेप में आपको कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि एक फंक्शन को हम जब वैल्यू के साथ कॉल करते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन ये, सर आपने हेडर फाइल में बना के बताया, एक फंक्शन आप लोकल कैसे बनाओगे। अरे लोकल इसी को मान ले बेटा, कि आपने मेन के नीचे ही इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया सपोज, और यहां मैक्सिमम का कोड लिख दिया, कि इफ ए ग्रेटर देन बी सी आउट, ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट, ये आपने लिख दिया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अभी मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मेरा पूरा फोकस अभी केवल आपको लॉजिक समझाने में है, प्रोग्राम नहीं। ये मैंने लिख दिया सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो अब क्या होगा, जब मैक्स कॉल होगा, वो सीधे इसको कॉल करेगा, दो में से ग्रेटर नंबर आपको बता देगा कौन सा है। अब आप इस फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन करके देख लो। अरे अभी प्रैक्टिकल बता दूंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहो, क्या चिंता करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आपने दो तरीके से हमने देखा, कि या तो यह फंक्शन हेडर फाइल में होगा, जो हम इसको एक्चुअल रखेंगे फ्यूचर में। तो कॉल बाय वैल्यू में पैरामीटर आर्गुमेंट, सारी कहानी आई होप आपको समझ में आए हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लें हमने आज क्या बात की है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बड़ा धमाका है ये, बहुत बड़ा है कॉन्सेप्ट, छोटा नहीं है ये, राइट। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इस टॉपिक में, जिस टॉपिक में बोल दूं ना, चॉइस नहीं है, मतलब ना समझने वाली चॉइस नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस कि सर समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार दो बार फिर से सुनो, फिर भी डाउट है, तो भैया सीधे सीधे कमेंट कर दो, आप टेंशन छोड़ दो, टेंशन इधर दे दो, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा कि कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो यहां पर आप देखो, हमने बात की थी कॉल बाय वैल्यू को लेके इस कॉन्सेप्ट की, कि किसी भी फंक्शन का काम कभी डेटा इनपुट लेना नहीं है, और इसके पहले जो फंक्शन हमने बनाए थे वो इनपुट वैल्यू पे काम कर रहे हैं, इनपुट मतलब फंक्शन ही इनपुट ले रहा है। अब यहां पर देखो आप, एक चीज और मैं बताना भूल गया, अगर आपको लगता है, सॉरी, यदि आपको लगता है कि सर ये फंक्शन इनपुट वैल्यू को लेके वर्क करेगा, तो बेटा ठीक है ना, ये जो देख, ये देखो आप, ये जो हमने अभी फंक्शन बनाया फैक्टोरियल का, इसमें x इक्वल टू 5, इसमें इनपुट कैसे देंगे। अरे तो इनपुट देने का काम फंक्शन का नहीं है ना, आप यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो इंटीजर x, यहां यूजर से बोल दो सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है, और उस नंबर को आप यहां पे रीड करवा लो सी इन x, ओके, और फिर x को पास कर दो। अब आप बोलोगे सर यहां लिखूं, यहां लिखूं, अरे बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे, जरा समझ के देख, यहां लिखेगा तो बाउंडेड हो जाओगे ना, कि फंक्शन बिना इनपुट के कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, और यहां लिखोगे तो चॉइस आपके हाथ में, कि एक बार इनपुट लेके फंक्शन कॉल किया, दूसरी बार डायरेक्टली 7 लिख दिया, तीसरी बार 9 लिख दिया,
चौथी बार मान लो अगर आपने ऐसा लिख दिया, अरे समझ, मान लो सी इक्वल टू ए प्लस बी, अब सी में कोई वैल्यू है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सी पास कर दे। तो इस केस में चॉइस आपके हाथ में है ना, अगर इस यही रीड करवा लोगे तो वो तो बाउंडेड हो गया फंक्शन की, बिना इनपुट के वो आगे कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, राइट। तो यही हमने बात की, और फिर हमने ये देखा कि जब हम फंक्शन से वैल्यू को पास करते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट कि बॉस जो वैल्यू हम पास करते हैं वो पैरामीटर कहलाती है, जो वो रिसीव करता है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, या इसी को एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर भी कहा जाता है। तो ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा ये था कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली, जितने भी फंक्शन हमने अभी बनाए हैं, रिवर्स ऑफ नंबर जहां इनपुट लिया, पैलिंड्रोम नंबर जहां इनपुट लिया, प्राइम नंबर जहां इनपुट लिया, अरे सबके फंक्शन बना दो देखो आप, राइट। लेकिन लेकिन एक चीज और देखो आप, अब कहां प्रॉब्लम है, अरे सर बहुत समस्याएं आपको, अरे बेटा मेरे को नहीं है, फ्यूचर में आपको समस्या ना हो इसीलिए ये सारी कहानी चल रही है। जरा इस फंक्शन को फिर से देखो, कौन सा वाला, ये, ठीक है, चलो सब बढ़िया है, सोच के देखो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, आपने इनपुट दिया, फंक्शन ने इनपुट को लेके कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है कि सर सब तो बेस्ट है, क्या प्रॉब्लम है। अरे सुन जरा प्रॉब्लम सुन, मैंने ये बोला था कि बॉस एक नंबर इनपुट लो सपोज, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, और जो फैक्टोरियल आया है चेक करो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब कहने का ये कि फंक्शन का काम क्या था, आपने इसको डेटा दिया, डेटा लेके इसने कैलकुलेशन कर दिया, आपको फैक्टोरियल दे दिया, लेकिन उसने जो गलती करी हमने फंक्शन में, उसने क्या, हमने ही करी है, लेकिन लॉजिक समझाने के लिए वो गलती मुझे अभी करना पड़ी। आपका नंबर उसने लिया, फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, और फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसने सीधे उसको प्रिंट कर दिया। अरे भैया फंक्शन क्यों प्रिंट करेगा, अब सोचो जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम दिया आप बना पाओगे क्या। मैंने आपको क्या बोला था, एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, आप खुश, अरे वाह बड़ा बनाया फंक्शन है उसको यूज कर लेंगे, आपने फंक्शन कॉल किया, जब आपने उस फंक्शन को ये वैल्यू दी तो उसके आगे की कहानी भी तो थी ना। मैंने आपसे कहा था जो फैक्टोरियल आएगा वो चेक करो कि इवन है कि ऑड है, तो अब मुझे बताओ जो फैक्टोरियल आया वो तो आपको मिला ही कहां, वो तो सीधे प्रिंट हो गया ना, समझ में आई बात। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फंक्शन का काम ना इनपुट लेना है ना आउटपुट प्रिंट करना है, फंक्शन का काम ये होना चाहिए आपने डेटा दिया, उसने डेटा को रिसीव किया, डेटा को रिसीव करने के बाद वो उस कैलकुलेशन करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बेटा प्रिंट नहीं करेगा, नेवर, ये रिजल्ट वो वापस करेगा प्रोग्रामर को, मतलब जहां फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर ये रिजल्ट उसको वापस मिल जाना चाहिए। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है वो था यहां से वैल्यू देना, कि फंक्शन को वैल्यू पास करना कि वो कहीं भी रखाओ हमारे डेटा उस तक पहुंच जाए। लेकिन अब इसके जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं कि अब फंक्शन को बोलेंगे कि बॉस जो कैलकुलेशन किया है उसको प्रिंट मत करो, आपका काम प्रिंट करना नहीं है, वो जो कैलकुलेटिव वैल्यू है उस कैलकुलेटिव वैल्यू को रिटर्न करो, वापिस करो, रिजल्ट को वापिस करो। तो फंक्शन से जब हम वैल्यू पास करते हैं तो इसको हमने अभी क्या पढ़ा था, कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अब ठीक इसके अपोजिट बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा, रिटर्न बाय वैल्यू, कि जहां पर हम ये देखेंगे कि एक फंक्शन से वैल्यू किस तरीके से रिटर्न की जाती है, और वहां पर आपको समझ में आएगा जो हम लिख रहे हैं मेन के आगे कभी हम वॉइड लिखते हैं, कभी हम इंट लिखते हैं, लास्ट में रिटर्न जीरो लिखते हैं। सर आपके कहने पे हम लिख तो रहे हैं लेकिन समझ में आज तक नहीं आया कि ये रिटर्न जीरो हमने क्यों लिखा, ओके ये इंट क्यों लिखा, ये इसके आगे वॉइड क्यों लिख रहे हो आप। ये सारी कहानी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे रिटर्न बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा ये था कॉल बाय वैल्यू, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिटर्न बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, यदि कहीं भी कोई डाउट है तो मन में मत रखो, ठीक है, बिंदास पूछो, बिंदास कमेंट करके पूछो कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें और लाइक करें, ठीक। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में रिटर्न बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर,
बाय।